सीएम साहब बता रहे थे कोई अपने आप को रहेगा सीओ साहब थे क्या मामला क्या था? मामला कुछ नहीं था, हम बाहर खड़े थे और हम अंदर जा रहे थे, यहाँ धूप लग रही थी, हमने कहा चलो अंदर खड़े होते हैं, तो सीओ साहब बोले हाँ कौन है बाहर, चलो बाहर चलो। उन बैठे बैठे कुर्सी पर से खड़े भी नहीं हुए और बहुत बदतमीज तरीके से बात करी है। हम अभी अपने मंत्रीगण बैठक में, उनसे बाद में बात करेंगे। डीएम साहब ने भी हमें आश्वासन दिया। क्या नाम है आपका, किस पद पे हैं? मैं राहुल विकल हूँ, युवा मोर्चा का क्षेत्रीय कार्य समिति सदस्य हूँ। अच्छा, जब अंदर जाने के लिए आप मंत्री जी के पास जाना चाह रहे थे? नहीं नहीं, हम मंत्री के पास नहीं जाना चाह रहे थे, यहीं गेट से अंदर जो ये खड़ा होने का स्थान पंखा चल रहा है, हम केवल यहाँ खड़ा होना चाह रहे थे गर्मी के कारण। हमें अंदर नहीं जाना था क्योंकि मेरे साथ के ही अपने जो दानिश जी हैं, राज्य मंत्री हैं, वो मेरे मित्र हैं, उनसे मैं मिलना आया था, उन्होंने बुलाया था, अभी वो अंदर बैठे हुए थे, हम इसलिए बाहर चले। हमने कहा कोई बात नहीं, अभी बैठक चल रही है। सीओ साहब और एक एसडीएम जो बता रहे हैं अपने आपको कि मैं एसडीएम हूँ, उन्होंने बहुत ज्यादा बदतमीजी करने का प्रयास किया। किस तरह से बदतमीजी भी करी है? किस तरह से बदतमीजी? आप समझते होंगे कि लैंग्वेज अधिकारी की माने तो लैंग्वेज सबसे ज्यादा बदतमीजी। डीएम साहब आए, उन्होंने बहुत पोलाइटली हमसे बात की है, बोले मैं इस बात पे बाद में संज्ञान लूंगा और हम इस चीज पर लेकर जरूर प्रदर्शन भी करेंगे। आप क्या मान रहे हैं, नौकरशाही और अफसरशाही बेलगाम है, आप लोगों से भी अभद्रता की जा रही है, आम जनता से क्या होता होगा? ये बात आपकी जो आप कह रहे हैं, इस पे मैं ज्यादा कुछ ना बोलते हुए, ये कुछ चुनिंदा अफसर और अधिकारी हैं जो सरकार को बदनाम करने का काम करते हैं, ऊपर से कोई इस प्रकार की तानाशाही करने का काम नहीं है। सीओ कौन थे? सीओ बृजेश सिंह थे, मुझे नेम प्लेट दिखा रहे थे, जो तुम्हें बिगाड़ना हो मेरा बिगाड़ लेना। मेरठ शहर में ऐसे अधिकारी हमें बिल्कुल नहीं चाहिए, ना हम उनको यहाँ रहने देंगे। अगर किसी के दिमाग में गलत फहमी है किसी भी अधिकारी के, तो वो इस गलत फहमी को अपने दिमाग से निकाल के रखे। मेरठ में हम जैसे अगर युवा छात्र राजनीति कर रहे हैं, मैंने 10 साल चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में एबीवीपी में राजनीति की है, तो उन्हें लगता हुआ कि मैं आम कार्यकर्ता हूं, तो वो अपने इन बातों को अपने दिमाग से बाहर निकाल के रखें। क्या आप उनका तबादला किए जाने की मांग करेंगे? तबादला, देखो तबादला अगर करने की मांग करेंगे तो दूसरा अधिकारी भी यही कहेगा फिर कि मेरा भी तबादला करा दो। हम किसी भी अधिकारी का तबादला नहीं चाहते, हम उसी अधिकारी से जनता के बीच और जनता का ठीक काम चाहते हैं। अच्छा, आप ये बताइए, आप किस तरह से आपत्ति दर्ज कराना चाहते हैं, कहाँ कहाँ कराएंगे? हम इसकी आपत्ति दर्ज माननीय मुख्यमंत्री जी को जरूर कराएंगे, जो बृजेश जी ने हमें अपना नेम प्लेट दिखाई है, और एसडीएम साहब, उनका नाम हमें पता नहीं है, उसके नाम पता करके उसकी जानकारी करके कौन है, वो है भी एसडीएम या नहीं है या फर्जी एसडीएम है। मेरा नाम राहुल विकल है, युवा मोर्चा का क्षेत्रीय कार्य समिति सदस्य हूँ। थैंक यू। आपकी बात मुझे समझ में आती है ना, ये भी हो जाए प्रोग्राम, मैं भी यही हूँ, इसको जो भी रिजोल्व करना है हम लोग बात करेंगे, ठीक है? पर उस चीज को जिस तरीके से बदतमीजी से बात की है, भीड़ में चीजों का सोल्यूशन नहीं निकल। आपने आगे इतनी पोलाइट तरीके से बात करी, हम लोगों को अच्छा लगा। मेरी बात मान लो, आसानी से अंदर गए, चलो चलो यहाँ से बाहर चलो, कोई बात नहीं है, मेरी बात शिव साहब बदतमीजी कर रहे हैं। कोई अब क्या बात हो रही है, चलो चलो आप लोग चले जाए, बाहर जगह है, मैंने वही कहा इनसे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।